हमने जो क्लास 12 एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रिपरेशन करते थे, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दोस्तों एक केमिकल रिएक्शन दिया गया, बोलता है इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं 443 केल्विन टेम्परेचर पर, तब मेन प्रोडक्ट आपका क्या बनता है। देखिये दोस्तों हमारा H2SO4 दोस्तों एक तरह का डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, एक ऐसा एजेंट जो बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल निकालता है, उसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। देखिए दोस्तों अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन हो गया अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन का बगल वाला कार्बन हो गया मेरा बीटा कार्बन, तो कुछ लेना है और दोस्त कुछ देना है, तो अल्फा से OH को ले ली और बीटा से हाइड्रोजन को ले ली, जहां पर हाइड्रोजन एसिड है और OH बेस है, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है, तो एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, और कुछ देना है दोस्त तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे देंगे, बीटा से हाइड्रोजन निकाल दिए तो बच गया CH2, तो यहाँ पर लिख दिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ से OH हट गया है, यहाँ पर लिख दो सिंगल बॉन्ड और CH2 और अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड देना, तो यहाँ पर दे दिए दोस्त डबल बॉन्ड, दो कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ई, डबल बॉन्ड के लिए लिख दिए ई, इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया इथेन, तो जब इथेनॉल चाहे इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं 443 केल्विन टेम्परेचर पर, तो मेन प्रोडक्ट के रूप में इथिन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर दोस्त ऑप्शन नंबर ए हमारा फुल एसडी में करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 में केमिकल रिएक्शन दिया गया, उससे याद दिया गया केमिकल रिएक्शन कौन सा रिएक्शन, सबसे पहले इस रिएक्शन को पूरा करते हैं, रिएजेंट आपको सोडियम और ड्राई इथर दिख जाए दोस्त, रिएजेंट में सोडियम और ड्राई इथर दिख जाए तो होने वाला रिएक्शन ऊर्ज रिएक्शन होगा, चाहे फिटिंग रिएक्शन होगा चाहे ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन होगा, सबस्ट्रेट के रूप में अल्काइल हैलाइड दिया गया, तो जब सबस्ट्रेट के रूप में अल्काइल हैलाइड देगा दोस्त तो हमेशा वह ऊर्ज रिएक्शन शो करता, अगर सबस्ट्रेट के रूप में एराइल हैलाइड देता तो हमारा वो फिटिंग रिएक्शन शो करता, और सबस्ट्रेट के रूप में अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड देता तो वह हमारा ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन शो करता, तो सबस्ट्रेट के रूप में अल्काइल हैलाइड है और रिएजेंट सोडियम और ड्राई इथर है, तो होने वाला रिएक्शन दोस्त ऊर्ज रिएक्शन कहलाता है। अब देखिए दोस्त ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है, सो ऊर्ज रिएक्शन को प्यार से बाहु भैया बोलते हैं, बाहु भैया बोलते थे एक का डबल, तो एक मिथाइल ग्रुप है जो डबल कर दिए तो दो मिथाइल ग्रुप बन गया, तो प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर लिख दिए दो तो मिथाइल ग्रुप, प्रोडक्ट की साइड दो मिथाइल है और रिएक्टेंट की साइड एक मिथाइल है, तो बैलेंस करने के लिए दो से मल्टीपल कर दिए, यहाँ पर दो तो ब्रोमीन हो गया, तो ब्रोमीन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल का संख्या मेरा दो है मेटल एक है, तो बैलेंस करने के लिए दो से यहाँ पर मल्टीपल कर दिए सोडियम को, तो दो सोडियम दो तो ब्रोमीन को लेके भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में दो मोल सोडियम ब्रोमाइड बना दिया, दो कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ई, सिंगल बॉन्ड के लिए लिख दिए एन, इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया मेरा इथेन, इसका कॉमन नेम हो गया दोस्त मिथाइल ब्रोमाइड और यूपिक नेम हो गया ब्रोमो मिथेन, तो जब मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन सोडियम के साथ करते हैं ड्राई इथर के प्रेजेंस में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथेन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में दो मोल सोडियम ब्रोमाइड बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी हमारा ऊर्ज रिएक्शन फुल एसिड क्या है दोस्त करेक्ट।